ये बताएं वोकहार्ट पर फंडामेंटल क्या राय रखते हैं आप अविनाश, लगातार यूएस एफडीए की इन खबरों की वजह से सुर्खियों में? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, जिस प्रकार का नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हमको वोकहार्ट का स्पेशली यूएस एफडीए के रिलेटेड मिला है, मुझे लग रहा है कि आने वाले एक दो क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। और अगर कोई और नेगेटिव सरप्राइज यूएस एफडीए से आता है तो आने वाले शॉर्ट टर्म में भी वोकहार्ट के स्टॉक में आपको एक अच्छी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक काफ़ी ऊपरी लेवल से टूटा है, बट क्लियरली मेरे ख्याल से अर्निंग्स सरप्राइज अगर नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट इस पॉइंट पर डेफिनेटली इस स्टॉक को आने वाले दिनों में काफी जोर से पनिश करेगी। तो आई मीन लेट अस वेट एंड वॉच, बट ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है और नेगेटिव सरप्राइजेस देने के लिए काफी मशहूर है।